हेलो गाइस, मैंने ये मुस्लिम ब्राइडल लुक किया है और मैंने यूज़ किया है रोज़ वाटर जो गुड वाइब्स का है, और उसे मैंने ड्राई होने दिया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये सीरम जो मैंने पर्पल से अगेन मंगाया है, और ये मॉइस्चराइज़ करता है फेस को बहुत अच्छे से और फेस पर ग्लो लाता है। और मैंने इसे लिप्स पर भी अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये लैक्मे का 9 to 10 प्राइमर है, जो जिसे मैंने बहुत हल्के हाथों से अप्लाई कर लिया। उसके बाद में कुछ देर मैंने छोड़ दिया है अपने मेकअप को। उसके बाद में फिर मैंने यूज़ किया है एक सीसी क्रीम जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की है, जो बिल्कुल बहुत पता नहीं कैसी है और कोई ग्लो नहीं आया ऐसे फेस पर। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तब जाकर कवर कर पाया है फेस। और एक्चुअली मेरे पास कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं है अभी अच्छा सा, और ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह भी अच्छा नहीं है, तो देखिए ऐसे वाइट वाइट हो गया है फेस। तो मैंने आज ऑर्डर किया है अपना फाउंडेशन, और उसके बाद मैंने ये कंसीलर यूज़ किया है। मैंने अगेन इसको लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, तो मुझे जहाँ डार्क करके लग रहे थे मैंने वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर लिया। और एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है मैंने जिससे हेल्प से इसको अप्लाई कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद में मैंने यूज़ किया है, मैंने कॉन्टोरिंग की है, और जिसका ब्रश नहीं है मेरे पास, मैंने तो ऐसे फिंगर की हेल्प से किया है। और इसको उसी छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया फेस पर। और मेरा जो मेकअप प्रोडक्ट नहीं है उनमें मैंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे रिसीव हो जाएंगे बहुत जल्दी। और ब्रश वगैरह भी मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह नहीं होते हैं तो मेकअप नहीं अच्छे से हो पाता है। तो ये मैंने नोज़ मैंने फोरहेड पे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरा फोरहेड ऑलरेडी बहुत पतला है इसलिए। और ये मैं कॉम्पैक्ट जो मंगाया है पर्पल से NYB का है, और इससे ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से फेस पर अब्सॉर्ब हो जाता है, और सेट वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने अच्छे से सेट कर लिया है अपने जो क्रीम मैंने लगाई थी उससे बहुत अच्छा सेट कर लिया है। और उसके बाद ये आईब्रोज़ मैंने फिल किया है, ये आईब्रोज़ पेंसिल मैंने लोकल मार्केट से ली है, मुझे 30-40 रुपीज़ की पड़ी थी। और जिसका शेड ब्राउन है, एक्चुअली ब्लैक मुझे अपने फेस पर थोड़ी सी ऑड लगती है, तो मैंने ऐसे दोनों आईब्रोज़ और उसके बाद में मैंने ऐसे एक ब्रश की हेल्प से कॉम कर लिया है। देखिए सेट हो गया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसी कंटूरिंग पैलेट से एक कलर लेकर मैंने अपने आईज़ पर अप्लाई किया है, और ताकि मेरा जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। और मेरे पास कोई ब्रश नहीं है, और ये ऐसी लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ ब्रश है जिससे मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर भी मैंने कोशिश की है, मैंने आईलिड्स बनाए हैं। इसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लेकर कॉर्नर पे लगाया है, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है उसका कलर गोल्डन एंड ब्राउन है, सॉरी ब्लैक एंड गोल्डन है, तो मैंने दो ही कलर अप्लाई किए हैं अपने आई पर। और इनर कॉर्नर पे मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया है। एक ही ब्रश से मैंने पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया, क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं थे इसलिए। और मैंने पहना हुआ है घरारा, जो हमारे यहाँ मुस्लिम शादियों में ब्राइडल को पहनाया जाता है, तो मेरे पास था तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा चलो इसे लुक क्रिएट करते हैं। तो ये गोल्डन आईज, एक्चुअली ब्रश ना होने की वजह से बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा, और जब आई मेकअप अगर ब्लेंड नहीं हो पाता है अच्छे से तो फिर वो उतना खूबसूरत नहीं लगता देखने। वैसे मैंने कोशिश पूरी की है लेकिन फिर भी ऊपर हल्का सा नहीं हो पाया अच्छे से ब्लेंड। और बस मैं उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये स्केच आईलाइनर। मुझे स्केच आईलाइनर बहुत पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और मैंने हल्की सी विंग ड्रॉ की है, क्योंकि मेरे पास काजर नहीं था। वो एक्चुअली जो काजर था वो मैंने पर्पल से ही मंगाया था, उसका वो ऊपर का नोक था वो टूट गया है, तो इस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाई काजर। और बिना काजर के जो ब्राइडल है यार वो तो अधूरा ही रह जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो ये वाइट NYB से मंगाया मैंने काजर, उससे मैंने अप्लाई कर लिया है, और जिसे आँखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। और
उसके बाद में मैंने वही ब्लैक आई शेडो अपने ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। काजल नहीं था तो मैंने बस ऐसे हल्का सा ब्लैक आई शेडो यूज़ कर लिया है ताकि थोड़ा सा लगे कि मैंने कुछ लगाया है। उसके बाद ये ब्लशर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया, एक ही ब्रश से मैंने सारा मेकअप कर लिया है क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं है। मेरा बेटा भी पीछे से बोल रहा है। और ये हाइलाइटर है जो लिक्विड है, और ये बहुत अगर तुरंत अगर इसे ब्लेंड ना करो तो फिर ये ब्लेंड नहीं हो पाता है और फिर फिक्स हो जाता है एक जगह पर, लेकिन अगर आपने तुरंत से ब्लेंड कर लिया तो ये बहुत अच्छा ग्लो करता है फेस पर। मैंने नोज़ एरिया पे भी किया है और फोरहेड पे भी किया है। लगा लेते हैं और ग्रीन कलर ही अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये कलर भी बहुत अच्छा है। जब मैं इसे वैसे यूज़ करती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने और अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने लगाई है पिंक लिपस्टिक, और मुझे रेड लगानी थी लेकिन फिर पता नहीं क्या मैंने अचानक मूड चेंज हो गया तो मैंने और मैंने क्या मैं मस्कारा लगा जल्दी में, पता नहीं क्या हुआ कि मैं मस्कारा लगाना ही भूल गई। जब मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने मस्कारा मिस कर दिया है फिर तो वीडियो बन चुका था। और इसके ऊपर मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक और अप्लाई की है। मैंने सोचा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि मुझे ये कलर लगने के बाद मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। और अगर आपको और मैंने सेटिंग मेकअप स्प्रे भी किया है जो मैंने दिखाया नहीं है, और ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।